शिक्षा मंत्री गुलाब चंद कटारिया शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास पर अजमेर आए तो उन्होंने सिविल लाइन स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजीव गांधी सभागार में अजमेर और नागौर जिले के अपराध नियंत्रण पर अधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक ली। सुबह 11 बजे से देर शाम तक चली मैराथन बैठक में आईजी मालिनी अग्रवाल, अजमेर एसपी नितिन देव लग्गन, नागौर एसपी गौरव श्रीवास्तव सहित दोनों जिलों के एएसपी, सीईओ, डिप्टी स्तर के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बधेल, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, नजीराबाद विधायक रामनारायण गुर्जर, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, किशनगढ़ विधायक भागीरथ चौधरी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने पुलिस अधिकारियों से अपराध की समीक्षा करते हुए हाईवे पर होने वाले अपराधों, महिला उत्पीड़न, ठगी और अन्य अपराधों पर जानकारी लेकर तत्काल और उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। हमने प्रत्येक थाने, प्रत्येक सीओ सर्किल और प्रत्येक एसपी को रैंकिंग देना शुरू किया है कि आपका जिला आज राजस्थान में किस रैंक पर एडजस्ट हो रहा है। अजमेर जिला है तो रैंक क्या है उसकी राजस्थान में, कोई सा भी केकड़ी सीओ सर्किल है तो राजस्थान के सीओ सर्किल में वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, और अगर कोई ब्यावर का थाना है तो राजस्थान में 861 थाने में ब्यावर किस जगह साल भर में एडजस्ट हुआ। तो रैंकिंग के कारण से कंपटीशन हुआ और उसके कारण से अपराध में कमी आई है। एक दूसरा ये कि पुलिस डिपार्टमेंट का ये सौभाग्य का साल है कि 100% डीपीसी जो पुरानी तीन तीन चार चार साल से बाकी थी, जिसके कारण से सीआई के सही के पोस्टें खाली पड़ी थी, लगभग 80% पूरी हो गई और 31 मार्च 2016 राजस्थान की कोई डीपीसी पेंडिंग नहीं होगी। हर व्यक्ति का जो प्रमोशन होना है वो निश्चित रूप से उसका प्रमोशन हो जाए। बैठक के बाद देर शाम पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कटारिया ने बताया, पुलिस को साधनों की दृष्टि से इक्विप करने की दृष्टि से भी प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ थानों की सीमा इधर से इधर है, जिसके कारण से कई लोगों को आधा गांव इधर जाता है, आधा गांव इधर जाता है। अभी परमेश्वर जी की कमेटी बनी है, उन्होंने एसडीओ, तहसील, पंचायत समिति और थाना, इसकी बाउंड्री एक दूसरे को टच करती हुई बने ताकि लोगों को इधर उधर जाने में दिक्कत नहीं। वो अपना काम करी, दो तीन महीने हमको लगेंगे, हम उसको भी जो है पूरा कर लेंगे। तो यहाँ विशेष करके ट्रैफिक के बारे में लगभग जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनका ये कहना है कि जितना स्टाफ हमको चाहिए उतना स्टाफ आज हमारे पास नहीं है, और है भी सही तो कुछ शहरों में है, कुछ नगर पालिकाएं ऐसी हैं जिनमें ट्रैफिक की दृष्टि से पुलिस की प्रेजेंस नहीं के बराबर है। तो इसको एक तो बढ़ाया जाए, दूसरा क्या है कि अराष्ट्रीय गतिविधियों को चेक करने के लिए और पुलिस को सशक्त करें और ऐसे साधन उनको उपलब्ध कराएं जिसके कारण से उनको ढूंढने में और उनको एक तरह से कसने में हम मददगार हो सकें। पर कई संगीन केस यहाँ के विभिन्न थानों ने खोले हैं, उसके लिए वास्तव में धन्यवाद। विशेष करके पेपर आउट हुआ, इस प्रकार की कई ब्लाइंड मर्डर थे वो इन्होंने खोले हैं, एना कई ऐसी जो है ट्रकें जो सामान लेकर के भाग रही थी उनको जो है इन्होंने नागौर वालों ने पाली वाला ट्रक पकड़ा है, या बाकी सारी चीजें हैं वो उनको भी उन्होंने बरामद करने में सफल हुआ। तो एक तरह से बरामदगी परसेंटेज इन दोनों जिलों का ठीक है, स्टेट से भी ऊपर है। कहते हैं लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन ये हक सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गया है। तभी तो आजाद भारत में जब कोई आम नागरिक अपनी बात कहता है या किसी तरह अपनी पीड़ा जाहिर करता है तो उसे उसकी आजादी नहीं दी जाती। अजमेर में एक शख्स अपने परिवार सहित यही कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी इस पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं है और 5 साल से ये परिवार न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। इस शख्स का नाम पीरदान सिंह है। केवल न्याय के लिए ये पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहा है, लेकिन न्याय है कि मिलता ही नहीं। दरअसल पीरदान अपने ही भाइयों और अकूत संपत्ति के मालिक आर के मार्बल से न्याय मिले इसकी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कानून और सरकार अंधे होकर बैठे हुए हैं। पीरदान सिंह ने न्याय पाने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री तक से गुहार लगाए, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं हुई। बीते 58 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे पीरदान ने गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया से मिलने के लिए गुहार लगाई तो खाकी ने अपना रुतबा गालिब कर हर बार की तरह पीरदान को टंगा टोली कर सरकारी जीप में डाला और अस्पताल ले जाकर पटक दिया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। गृह मंत्री जी गुलाब सिंह जी कटारिया पुलिस लाइन में आ रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं।
पिछले शनिवार को आईजी एसपी और चार एडिशनल एसपी ने मेरे को बोला था कि तेरे को कल या परसों में जांच अधिकारी दे देंगे, अभी तक इनके कान की जू नहीं रहेंगी है। मुझे लगता है कि गुलाबचंद जी कटारिया ही मतलब ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आर के मार्बल वाला इनका रिश्तेदार है और राजस्थान पुलिस और जजों ने मेरे साथ अन्याय अत्याचार किया है और वो राजस्थान के गृह मंत्री के अंडर में आ रहा है। गृह मंत्री जी अपने आईपीएस अधिकारियों और सीआई और एसएचओ और आईजी के ड्राइवर को बचाने के लिए एक ही इनको शायद आईजी और एसपी को बोला है कि पीरदान की मौत मंजूर है, लेकिन पुलिस के अधिकारी जेल जाना या अशोक पाटनी विमल पाटनी जेल जाना इनको कतई मंजूर नहीं है। मैं अभी मिलने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पुलिस लग गई आदि, मैं पूरा कोशिश करूंगा, जबरदस्ती जाने की कोशिश करूंगा। ये ज्यादा जरे मेरे ऊपर राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज करेंगे। मैं कल जान देने वाला, आज जान दे दूंगा, हर हालत में आज कटारिया जी से मिलूंगा और कल पुष्कर में वसुंधरा राजे जी से मिलके और गुहार लगाऊंगा। न्याय के लिए हम दोनों पति पत्नी 57 दिन से भूखे पेट जो अनशन कर रहे हैं, हमारी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे। पीरदान सिंह की कहानी एक मजबूर आदमी की कहानी है। यह पीरदान सिंह कभी ट्रकों का व्यवसायी हुआ करता था, लेकिन पीरदान सिंह का आरोप है कि किशनगढ़ के आर के मार्बल ग्रुप के मालिकों ने इस मजबूर आदमी को तबाह कर दिया। इसके खिलाफ जब पीरदान सिंह ने मोर्चा खोला तो आर के मार्बल के मालिकों ने इस पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर इसे परिवादी से मुलजिम बना डाला। यही कारण है कि अब पीरदान सिंह अपनी इस लड़ाई को जनता के बीच आकर लड़ रहा है।